स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्रोता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा। इस बार हम निमोनिया पर बात करने वाले हैं, जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एनबी सिंह, जो कि एक चेस्ट फिजिशियन है और सीनियर कंसल्टेंट है। तो हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर एनबी सिंह से, जो एक चेस्ट फिजिशियन है। आज हम इनसे निमोनिया पर बात करने वाले हैं। तो सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, हम लोग हर बार कुछ ना कुछ एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि इससे काफी अवेयरनेस एक फैलती है कि लोग इससे जागरूक होते हैं कि समय रहते डॉक्टर से कंसर्न कर लेते हैं और अच्छा रहता है कि टाइमली उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाता है। तो सर, आज हम निमोनिया पे बात करने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि निमोनिया, सबसे पहले तो ये बताइए निमोनिया होता क्या है। निमोनिया जो है एक फेफड़ों का संक्रमण से इन्फ्लेमेशन होता है फेफड़ों का। इन्फ्लेमेशन फेफड़े को जो होता है उसी को निमोनिया बोला जाता है। ये इन्फ्लेमेशन कई कारणों से हो सकता है, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, केमिकल एंड इरेडिएशन। इन 5-6 कारणों से निमोनिया हो सकता है। अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे अभी निमोनिया का कारण बताया है और आपने उसका रीजन भी बताया है, तो इसमें ये बताइए कि कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का सबसे बड़ा कारण है। हमारे यहाँ जो मोस्ट कॉमन कॉज है निमोनिया के लिए, अगर गांव देहात में रह रहा है मरीज, वो उसको निमोनिया हो रही, तो उसके लिए 5 बैक्टीरिया सबसे कॉमन है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, एसिनेटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोकोकल स्ट्रेप्टोकोकस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, एसिनेटोबैक्टर भी कभी कभी आ जाता है। ये बैक्टीरिया कॉमनली मिलते हैं अगर वो अपनी कम्युनिटी में रह रहा है तो। अगर पेशेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है और 72 घंटे बाद उसको निमोनिया डेवलप करती है, तो उसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसके कारण की वजह से उसमें स्यूडोमोनास सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। जी, अच्छा डॉक्टर, अगर हम एक जैसे एक लक्षणों की बात करते हैं, तो निमोनिया को पहचानने के लिए कौन कौन से लक्षण होते हैं। निमोनिया में सबसे पहले तो अगर एडल्ट है सामान्य, तो उसमें बुखार होगा, सीने में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, सांस फूल सकती है, कभी कभी वोमिटिंग भी हो सकती है, कभी कभी लूज मोशन भी हो सकता है, गले में दर्द वगैरह भी कभी कभी होता है, हेडेक भी हो सकता है। ये सारे सिम्टम मिल सकते हैं निमोनिया में। अब अगर वो 60 साल से ज़्यादा है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, उसमें कभी कभी बुखार नहीं मिलेगा, उसमें सीधे सीधे सांस फूलना शुरू हो जाएगी या खांसी आना शुरू हो जाएगा या लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा। अगर वो छोटा बच्चा है, 10 साल से कम है, तो उसमें सीवियर फीवर होगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगी, अन्य सिम्टम जैसे सीने का दर्द हुआ, लूज मोशन वगैरह हो सकता है, उसमें ये सारे सिम्टम ना हो। तो ये निमोनिया का जो लक्षण है, एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से और कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से वैरी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि निमोनिया जो है वो किसकी कमी, किस चीज़ की कमी की वजह से निमोनिया हो जाता है। हाँ श्वेता जी, ये निमोनिया किसी कमी के कारण से नहीं होता है जी। ये इन्फेक्शन जो सबसे कॉमन है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और केमिकल निमोनिया और इरेडिएशन निमोनिया, ये किसी कमी की वजह से नहीं है। ये इन्फेक्शन और केमिकल, कोई इन्हेलेशन जैसे या फिर इरेडिएशन की वजह से होता है। जो किसी चीज़ की कमी न होने के बावजूद वो सुपर एडेड इन्फेक्शन या उनके कांटेक्ट में आने की वजह से होता है। इसमें किसी चीज़ की कमी कोई कारण इसमें नहीं बनती है। अच्छा डॉक्टर, अगर निमोनिया के प्रकार के टाइप्स पे बात करते हैं, तो कितने टाइप्स का निमोनिया देखने को मिलता है। श्वेता जी, निमोनिया कई कारणों से होता है कि कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। इसको एनाटॉमिकली इसको लोबर निमोनिया, सेगमेंटल निमोनिया,
या इसको कारण जो हैं, तो बैक्टीरियल निमोनिया है, वायरल निमोनिया है, फंगल निमोनिया है, केमिकल निमोनिया है, या इरेडिएशन निमोनिया है। निमोनिया का वर्गीकरण कई रूप में किया जाना संभव है। टाइप पे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सभी का ट्रीटमेंट एक ही पद्धति से होता है या अलग अलग पद्धति से किया जाता है। श्वेता जी, निमोनिया अगर है, इन्फ्लेमेशन की आप लंग्स हैं, तो ज़्यादातर में हर एक में ट्रीटमेंट का तरीका ज़्यादातर में एक ही है। ज़्यादातर में हम उनको एंटीबैक्टीरियल देते हैं और लंग को सपोर्ट के लिए ब्रांकोडाइलेटर देते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, अगर डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द निमोनिया। बाकी सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में उसको कुछ फ्लूड इनटेक देते हैं, मल्टीविटामिन्स देते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सीवियरिटी के हिसाब से, पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है। कोई कॉमन ट्रीटमेंट नहीं कि कोई निमोनिया होगा तो एक फिक्स कम्बिनेशन इसको दे दो आप, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर, हमारे एक व्यूअर का एक सवाल था, वो ये जानना चाहते थे कि जैसे हर बीमारी में कोई ना कोई स्टेजेस दी जाती हैं, किसी की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से स्टेजेस होती हैं, क्या निमोनिया में भी इस तरीके की कुछ स्टेजेस देखने को मिलती हैं? सुधा जी, देखिए निमोनिया जो है इसमें स्टेजेस तो होते हैं, वो पैथोलॉजिकल हो स्टेजेस होते हैं, वो क्लिनिकली उसको स्टेजिंग करना मुश्किल होता है। जो स्टेजिंग होती है पैथोलॉजिकल, वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि 2-3 दिन में ए स्टेज पार गया होगा, 4th दिन के बाद ए स्टेज हो गया होगा, वो केवल एजम्पशन है जी। उसका कोई क्लिनिकली ट्रीटमेंट से उसका कोई संबंध नहीं है जी। तो पब्लिक को या उस पब्लिक के लिए इसको जानने का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, इसको जाना जाए जी। अच्छा डॉक्टर, ये है कि कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस समय पे डॉक्टर से कंफर्म करें, किस समय हम डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि लोग हमेशा यही जज करते हैं कि ये साधारण सा एक बुखार है और नहीं जज कर पाते हैं, तो इस वजह से वो डॉक्टर से हमें किस वक्त पे संपर्क करना चाहिए? श्वेता जी, इस समय जैसे बुखार का सीजन चल रहा है, बहुत ही बरसात के मौसम में कई सारी जाने चली जा चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। बुखार के साथ अगर सीने में दर्द है और सांस या खांसी आ रही है, तो स्वयं के इलाज के बजाय किसी डॉक्टर की सलाह अवश्य लिया जाना चाहिए। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, बुखार के साथ खांसी या सीने में दर्द या सांस फूल रही है, तो स्वयं या मेडिकल स्टोर या किसी झोला छाप से इलाज ना लेके किसी क्वालिफाइड चेस्ट फिजिशियन या फिजिशियन की सलाह लेना उचित है जी। अच्छा डॉक्टर, ये है कि इसको पता करने के लिए कौन कौन सी जांचें की जाती हैं? आप पेशेंट को, जब पेशेंट आपके पास आता है, तो आप कौन सी जांचों के लिए उनको सजेस्ट करते हैं? हाँ, अगर निमोनिया का जैसे हमारे यहाँ कोई मरीज आया कि उसको 3-4 दिन से फीवर आ रहा है, सीने में दर्द भी हो गया है, भूख भी कम हो गई है, खांसी भी आ रही है और थोड़ा थोड़ा सांस भी फूल रही है, तो हम लोग उसका सबसे पहले हीमोग्राम कराते हैं और एक एक्सरे चेस्ट कराते हैं। ये दोनों चीज़ों से मालूम पड़ता है कि उसका कि इन्फेक्शन है कितना सीवियरिटी है, और दूसरा जो सीने का एक्सरे होता है उससे पता लगता है कि इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी है। अगर वो उसके रिस्क का पता चलता है कि कितने देर में आ रहा है मरीज, कितना निमोनिया फैल चुका है, एक ही फेफड़े में है कि दोनों फेफड़े में है, किस स्टेज का है, ये सब पता चलता है उससे, उसी एक्सरे से। और ब्लड इन्वेस्टिगेट, ब्लड में CBC के अलावा हम उसका किडनी प्रोफाइल भी चेक करते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करते हैं और लीवर फंक्शन टेस्ट भी देखते हैं कि कहीं वो आगे की स्टेज में तो नहीं चला गया है। इसलिए ये सारी जांचें कराने के बाद उसको हम उचित अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक और सपोर्टिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है जी। अच्छा डॉक्टर, ये है कि ये किस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है? श्वेता जी, निमोनिया दो कंडीशन में, दो एज ग्रुप में बहुत ही खतरनाक होता है, एक तो 10 साल से कम, दूसरे 60 साल से ज्यादा। ये दो एज ग्रुप में निमोनिया बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि 10 साल से कम में लंग्स पूरे डेवलप नहीं हुए होते हैं,
उसमें लंग्स पूरे डेवलप नहीं हैं, तो थोड़ा जो अनडेवलप्ड लंग है वो जल्दी ही वो कंप्रोमाइज कर जाता है, जी उसमें डेथ वगैरह ज़्यादा चांस होती है अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर और सभी समय से नहीं किया गया तो। जी और वही हालत 60 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर मतलब हमारे की जो इल्डरली हैं और को मॉर्बिड हैं, उनको इल्डर हैं तो उनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीओपीडी वगैरह हो जाता है आजकल की जैसे लाइफ स्टाइल है, जी उसमें अगर न्यूमोनिया है, अगर हम समय से उसका केयर ध्यान नहीं दिए, ट्रीटमेंट नहीं लिए, तो वो भी बहुत ही गड़बड़ या फेटल अंत होता है उसका भी। जी अच्छा डॉक्टर, अगर हम इनके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं तो किस तरीके का ट्रीटमेंट, क्या है इस बीमारी का इलाज? जहाँ तक हम निमोनिया एल्डर्स एंड वो 60+ वालों की बात कर रहे हैं, जी इसमें तो निमोनिया का इलाज के लिए तो जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर बताया कि ब्लड का जांच कराएंगे, एक्सरे भी कराएंगे। अब हम लोग जैसे तो हम लोगों के हॉस्पिटल में अगर आ रहा बड़े उसमें, तो हम लोग उसके उसके जो बलगम निकल रहा है जी उसकी भी कल्चर और सेंसिटिविटी कराते हैं, उससे पता चले कि कौन सी बैक्टीरिया या फंगस ग्रो किया है, किसकी वजह से उसको निमोनिया हुआ है, उसके बाद उसके कौन सी एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है, ये कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट आ जाने के बाद हम उसके अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। जी और अगर हम ट्रीटमेंट के चलते अगर हम मेडिसिन पे बात करते हैं तो मेडिसिन में एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेदा में से बहुत, मतलब कौन सी ज्यादा कामगर कहलाई जाएगी कि किससे ज्यादा पेशेंट को रिलीफ बहुत जल्द मिल पाता है? श्वेता जी, जहाँ तक मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जी निमोनिया एक बैक्टीरियल, वायरल और पैथो वो फंगल बीमारी है। जहाँ तक मुझे अभी तक मालूम है, होम्योपैथ या आयुर्वेद में बैक्टीरिया एंटीबायोटिक शब्द उन लोगों के शब्दकोश में नहीं है, जी मैं बहुत भरोसे से नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे अपने सुना नहीं है। तो जी जहाँ पे एजेंट वो पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया या वायरस है या फंगस है, वहाँ पे एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट देना आवश्यक होता है। जब तक हम नहीं देंगे तब तक उसका क्योर या उसका इलाज संभव नहीं होगा। जी तो इस बारे में ये कहना कि एलोपैथ या आयुर्वेद या होम्योपैथ, ये कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। जी हमें मरीज की सुरक्षा और बीमारी का इलाज यथासंभव जल्दी से जल्दी करने का सोचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर, एक न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात की जाती है, तो वो न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या है और वो किस तरीके से काम करती है? अभी मैंने एक पॉजिटिव एजेंट में न्यूमोकोकल बैक्टीरिया की बात किया था आपसे, जी जो कि हमारे ग्रामीण अंचल में एक बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया है, न्यूमोकोकल, जी न्यूमोकोकाई, जी वो बहुत ही कॉमनली वो जनरली 60 साल से ऊपर और 10 साल से कम, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उन लोगों को वो इन्फेक्ट करती है, जी न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, जी वो बहुत ही सीरियस भी होती है। जी तो उसकी इस समय वैक्सीन अवेलेबल है, अगर जी वो वैक्सीन लगा रहता है जो कि 5 साल में एक डोज लेना होता है, जी अगर वो लगा हुआ है तो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जी या 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें अगर लगा हुआ है तो न्यूमोकोकल न्यूमोनिया नहीं होगा, जो कि बहुत ही घातक है और बहुत ही कॉमन है। अच्छा डॉक्टर, ये जो आपने अभी न्यूमोकोकल की बात करी है, तो इसमें एक हमारे व्यूअर का एक ये भी सवाल था कि निमोनिया का टीका कब लगाते हैं? तो टीका में यही सारे वैक्सीन आते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही किया जी श्वेता जी, ये न्यूमोकोकल वैक्सीन को ही निमोनिया का टीका बोला जाता है, जी जो एक लेमैन टर्म में उसको निमोनिया का टीका बोला जाता है, जी न्यूमोकोकल वैक्सीन ही है, जी उसमें अन्य कोई चीज़ें और गलतफहमी नहीं पालने की ज़रूरत है कि निमोनिया का टीका कुछ अलग है। जो निमोनिया पेशेंट है, क्या उसमें जान जाने का खतरा भी बना रहता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, निमोनिया से जान बिल्कुल जा सकती है, जी
जो विशेषकर जैसे मैं अभी आपसे बार बार बात कर रहा हूँ, 10 साल से कम और 60 साल से ऊपर के जी लोगों में एक खतरा बहुत ज़्यादा होता है। 10 साल से कम में इसलिए कि उनमें फेफड़े डेवलप नहीं होते हैं पूरे एडल्ट की तरह, तो बड़े जी जल्दी कंप्रोमाइज कर जाते हैं। जी और फेफड़ों का काम है बॉडी को, ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई करना। जी अगर ब्रेन को 3 से 5 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, 5 मिनट तक अगर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हुई तो ब्रेन डेथ हो जाता है। जी तो इसलिए निमोनिया बहुत ही घातक है। अच्छा डॉक्टर, ये है कि जैसे हम लोग ट्रीटमेंट पे बात कर रहे हैं, हमने दवाओं पे बात करी है, इलाज की बात करी है, तो इलाज के लिए क्या कभी ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को ठीक करने के लिए? श्वेता जी, निमोनिया में ऑपरेशन की बात जैसे आती है कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे जाता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीजन, नेजल ऑक्सीजन दी जाती है। ऑक्सीजन, नेजल ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो बाईपैप, नॉन इन्वेसिव थेरेपी दी जाती है, NIV, और या उसी को बाईपैप बोलते हैं। अगर उससे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कैनुलाइज किया जाता है, जिससे उसमें इंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है, उसमें सीधे ऑक्सीजन फेफड़े को भेजी जाती है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा माइनर ऑपरेशन किया जाता है और कोई मेजर ऑपरेशन उसके लिए नहीं होता है। तो अगर हम मौसम पे बात करते हैं, तो किस मौसम में निमोनिया होने का खतरा ज्यादा रहता है? क्योंकि कहा जाता है कि जब जब मौसम बदलता है उस टाइम पे निमोनिया के जो केसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं, तो कौन से मौसम में निमोनिया जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं? श्वेता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा देश मौसमों का देश है, यहाँ पे मौसम आते जाते रहते हैं। हर मौसम का बदलाव, जितनी बार मौसम बदलेगा, इवन सुबह शाम, ज़्यादातर तो हमारे हिंदी महीनों के हिसाब से 6 ऋतुएं मानी गई हैं। हर दो दो महीने पे एक ऋतु परिवर्तन होता है। बड़े उस पे तौर पे जाना जाए तो 4 4 महीने का होता है, जाड़ा गर्मी बरसात, ये ऋतुएं मानी गई हैं। हर ऋतु के परिवर्तन के समय, ऋतु मतलब नेचर, जो शो होता है, जैसे गर्मी से जाड़ा आया, नहीं, जाड़ा से गर्मी आया, गर्मी से बरसात आई, बरसात से फिर जाड़ा आएगा। हर मौसम के बदलाव के समय जहाँ भी जंक्शन होगा, जैसे अभी बरसात चल रहा है, बरसात के बाद जैसे जाड़ा आएगा फिर उसमें, और बरसात में तो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, उसमें निमोनिया भी बहुत कॉमन है। क्योंकि बरसात के मौसम में ह्यूमिड कंडीशन होता है, तो बैक्टीरिया और वायरस के फैलने और ग्रो करने का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। इसलिए वायरल निमोनिया और बैक्टीरियल निमोनिया इस बरसात के मौसम में बहुत कॉमन है। लेकिन निमोनिया जब भी मौसम बदलता है, जैसे बरसात से जाड़ा आएगा, जाड़े के बाद फिर गर्मी आएगा, उस समय जंक्शन के समय निमोनिया होता ही होता है, और बरसात में तो पूरे 4 महीने भर निमोनिया के वो रहते हैं। इसमें बरसात में फंगल निमोनिया भी सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। बैक्टीरियल, फंगल, वायरल तीनों कॉमन है इस समय। जी अच्छा डॉक्टर, ये है कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग कुछ घरेलू उपाय की भी बात करते हैं, तो क्या होते हैं वो घरेलू उपाय जिनके माध्यम से हम अपनी निमोनिया को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, उस पे काबू? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जी क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतीय जीवन पद्धति है उसमें ये मानते हुए किया गया है कि हम लोग रोगों के, बीमारियों के बीच में रह रहे हैं, हमारा मौसम ऐसा है, हमारा वातावरण ऐसा है। तो हमारे जो परंपराएं रही हैं कि जैसे बरसात के मौसम में गर्म खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं, दूर दूर बैठें, खांसे छींकें तो एक मुंह पे रुमाल लगा लें या कपड़ा लगा लें, कुछ नहीं है तो बांह मोड़ के ऐसे कर लें, मतलब हमारा छींकने और कफ एटिकेट, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, कफ पे खांसी करते समय, छींकते समय मुंह पे कपड़ा लगाएं, जरूर लगाएं, और पानी से नहाएं जरूर। खाने में जो मौसमी फल और सब्जियां हैं उनको जरूर खाएं, गर्म पानी का सेवन करें और गर्म खाना खाएं। अच्छा डॉक्टर, आपने तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें बताई हैं कि किस तरीके से हम लोग ध्यान दें, तो
लेकिन कुछ जो मैं घरेलू उपाय की बात कर रही थी उसमें बड़े कभी वो तुलसी पत्ती नीम और इन सब के काढ़ों की बात करती हैं, तो क्या वो कारगर साबित होते हैं कि निमोनिया में वो काम करते हैं क्या? तुलसी की पत्ती बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनो सिस्टम लेंथ है, और नीम की पत्ती बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे शोधों में उसको पाया गया है। तो अगर नीम की पत्ती ले रहे हैं तो लेते रहें, उसके में हम अच्छी बात है, वो प्रोफाइलेक्टिक देगा उनको। और बरसात में तुलसी का जो पत्तियां हैं उसका काढ़ा बना के या चाय बना के या पत्ती ऐसे ही खाया जाए वो अच्छा है, उसके लिए कोई अच्छी वो अच्छी बात है, लिया जाना चाहिए, हमारी पद्धति में है, हमारी परंपरा में है लेने का, कोई उसके लिए बुरी बात नहीं है, लिया जाना चाहिए। जी, निमोनिया के दौरान की बात करें या निमोनिया के पहले भी, मतलब हम कैसा लाइफस्टाइल अपना रखें जिसकी वजह से हमें ऐसी चीजों का, ऐसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े? निमोनिया के लिए ये तो है कि बैक्टीरियल है, इसको फैलने का तरीका एक ही है, ये सांस लेने से ही फैलती है। अगर कोई लगता है कि किसी को खांसी जुकाम या सीने में दर्द, खांस रहा है, तो पहले तो उसको बताएं भाई खांसते छींकते समय अपने मुंह पे कपड़ा रखो और उससे कम से कम 2 मीटर दूर रख के बात करें, दूरी मेंटेन करें, और अपने भी मुंह पे नाक पे कपड़ा लगाएं और जिसको बीमारी है उसको भी मुंह नाक पे कपड़ा लगवाएं। ये तो हो गई बचाव की बात। दूसरी बात, अगर वो बीमार हो जाता है, निमोनिया जैसे लक्षण उसको दिख रहे हैं, तब वो क्या करे उसमें, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर निमोनिया जैसी लक्षण है, उम्र 10 साल से कम है या 60 साल से ज़्यादा है, कोमार्बिड कंडीशन है, तो घर पे कुछ भी ना करें, डॉक्टर की सलाह ले। इसमें जैसे खान पान में मैंने बताया कि वो मौसमी ताज़े फल और सब्जियों का सेवन करे, गर्म पानी पानी का भाप ले और रेस्ट करे, फिजिकल रेस्ट। फिजिकल रेस्ट मतलब कि बिल्कुल चारपाई पे लेटे हफ्ता 10 दिन तक, बहुत ही ज़रूरत है उसको फिजिकल रेस्ट करने की। अच्छा डॉक्टर, क्या कुछ योगा के माध्यम से भी हम, योग के माध्यम से भी इन बीमारियों से बच सकते हैं और इनसे मतलब ये है कि इन बीमारियों को रोक सकते हैं? हाँ श्वेता जी, जहाँ तक निमोनिया का सवाल है, वहाँ योग का इसमें बचाव का कोई रोल नहीं है। जब निमोनिया हो उस समय हम लोग सलाह देते हैं कि किसी भी तरह की कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करना है कम से कम 3 हफ्ते तक। तो हम लोग न तो योग की सलाह देते हैं, न तो प्राणायाम की सलाह देते हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं करना है, उसको जस्ट बिस्तर पे कम से कम 10-12 दिन तक लेट के बिताना है, क्योंकि जितना वो आराम करेगा उतने जल्दी फेफड़े को आराम मिलेगा और वो जल्दी रिकवर करेगा दवाओं के साथ। अच्छा डॉक्टर, ये कहा जाता है कि निमोनिया जो बीमारी है वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है, आखिर उसका क्या कारण है? श्वेता जी, आप ये जो बात आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, निमोनिया ऐसी बीमारी है जल्दी ठीक नहीं होगी, ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। ये निमोनिया बीमारी है, ये बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ठीक होती है, बशर्ते इसको सही जगह और सही उपचार मिले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, निमोनिया बहुत ही अच्छे से ठीक होने वाली बीमारी है, बशर्ते इसको सही उचित इलाज और सही जानकारी हो जाए। निमोनिया में सबसे कॉमन जो है टीबी भी है, टीबी भी है, उसका इलाज 6 महीने चलता है। अगर आपका आशय ट्यूबरकुलोसिस से है तो मैं उसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि टीबी का इलाज 6 महीने चलता है, निश्चित उसमें बीमारी टीबी की ठीक हो जाती है, बशर्ते उसका नियमित और उचित इलाज किया जाए। इस समय सरकार, भारत सरकार 2025 टीबी का लक्ष्य रखा हुआ है, इसके लिए हर सरकारी अस्पताल में, हर जिला अस्पताल में, हर छोटे स्वास्थ्य केंद्र पे टीबी का इलाज मुफ्त में उपलब्ध है, और जो मरीज टीबी के हैं उनको ₹500 खान पान के लिए
सरकार हर महीने देती है जी। तो निमोनिया के संबंध में जिनको ट्यूबरकुलर निमोनिया है उनके लिए सरकार की तरफ से खाने पीने का और दवा मुफ्त में देती है। इसलिए किसी झोला छाप के पास जाने के बजाय लोगों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाएं, अगर टीबी है टीबी की जांच कराएं, अगर टीबी है तो सरकार उनका मुफ्त में इलाज करेगी और 500 रुपये हर महीने उनको खाने पीने का भत्ता उनके खाते में बैंक खाते में हर महीने आएगा। श्वेता जी मैं बता रहा हूँ अभी अगर वो निमोनिया ट्यूबरकुलर नहीं है तो 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ अगर वो ट्यूबरकुलर नहीं है, ट्यूबरकुलर निमोनिया 6 महीने को लगते हैं उसको ठीक होने के, उसका कोर्स है 6 महीने चलाना चाहिए। बाकी बैक्टीरियल है तो 2 से 3 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वायरल है तो विद इन 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, अगर वो फंगल है तो उसमें 2 से 3 महीने ले सकता है। तो इस समय सबसे कॉमन वायरल और बैक्टीरियल है जो मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते में वो ठीक हो जाता है। वैसे तो सर आपने अभी बताया कि सरकार ने ऐसे कुछ मुहिम छेड़ रखी है जिसकी वजह से लोग वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज करा सकते हैं, लेकिन अगर हम सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते हैं और तब हम अगर खर्चे की बात करते हैं तो अमूमन इस पे कितना खर्च आ जाता है? श्वेता जी जहाँ तक बात खर्च की है तो इसमें निमोनिया में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है, एंटीबायोटिक अच्छी दी जानी चाहिए दी जाती हैं तो एंटीबायोटिक का खर्च वहीं जो आता है 1000 से 2000 रुपये तक 2 हफ्ते तक में हो जाता है। बाकी तो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट भी मतलब हमें लगता है कि 3-4 हज़ार के अंदर ही ट्रीटमेंट उसका हो जाएगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ इसका ट्रीटमेंट कभी भी झोला छाप या ऐसी जगह ना जाएं, जस्ट फिजिशियन या फिजिशियन क्वालिफाइड फिजिशियन को दिखाएं, नहीं तो ये ट्रीटमेंट गलत भी ट्रीटमेंट हो सकता है जो मरीज की बीमारी बढ़ा सकता है और खर्च भी बढ़ा सकता है। डॉक्टर आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। मैं कहना चाहूँगा कि निमोनिया एक ठीक होने वाली बीमारी है, इससे घबराएं नहीं लेकिन जागरूक रहें, इससे कोई किसी के बहकावे में ना आए। दूसरी बात अगर टीबी का निमोनिया है तो ये बिल्कुल ठीक होता है, इसका इलाज मुफ्त में हर सरकारी अस्पताल में होता है, 6 महीने तक होगा और सरकार 500 रुपये हर महीने आपके बैंक खाते में डालेगी, वो खान पान भत्ता आपको मिलेगा। इसमें किसी भी तरह के किसी भी अन्य लोगों से बचें जो अफवाह फैलाएं, या निमोनिया झाड़ फूंक से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। तो आपके हेल्थ मंत्रा शो में हमने चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर रणबीर सिंह से बात की जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम निमोनिया का समय रहते पे पता करके उसका इलाज कर सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ प्राइम टीवी पर।